हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जब भी कोई न्यूज आती है दोस्तों, तो ट्रेडर्स तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है और जिसको अपने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली ग्रो करने में इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा लंबे समय के अनुसार प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस को पहचान के उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और फिर उसको यकीनी तौर पर अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न भी आने वाले टाइम में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं में से हैं और एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। और मैं आज बात करने वाला हूं दो ऐसे शेयर्स की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा मौका बन सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन से दो स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो पहले स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं, वो एक्चुअली दोनों स्टॉक्स ही वैसे तो राजनीतिक सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से जो पहला स्टॉक और दूसरा है, आप ये मान के चलिए, मैं एक छोटा सा आपको एक जानकारी पहले दे देता हूं, वो ये है कि दोस्तों यहां ना हम यूट्यूब के ऊपर क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें सारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टॉक हो, तो मेंबरशिप जो बटन है उसको ऑन कर रखा है, उसको ज्वाइन करिए। सेकंड नंबर की मेंबरशिप में आपको, जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सभी प्रकार के आपको रिसर्च बेस्ड वीडियोज मिल जाएंगे जो 40-50 मिनट लंबे होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और सीरियस है तो आप उसको ट्राई जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक पे और देखते हैं, पहला स्टॉक है जिसका नाम है मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों, आपने कभी इस कंपनी का नाम सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो दोस्तों आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे इसके बारे में जान करके। दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसकी मैं आपको पहले बता देता हूं, एक पिक्चर दिखाता हूं, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि भविष्य में क्या मौके बनेंगे इस कंपनी के अंदर। देखिए, यहां आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अरे बाबा ये नहीं, ये देख रहे हो क्या है, ये है मजागांव टॉप शिप बिल्डर्स, राइजिंग कंपनी इन द डिफेंस सेक्टर। और नीचे जो पिक्चर दिख रही है ना आपको, ये पता है क्या है? ये भारत में बनी हुई पनडुब्बी है, यानी सबमरीन। और किसने बनाई? इसी ने बनाई, मजागांव डॉक शिपयार्ड ने। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस कंपनी के बारे में आपको इतना क्यों कह रहा था। तो अब नजर डालते हैं दोस्तों कि ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें कैसे मौके बन सकते हैं। अब देखो, ये कंपनी क्या करती है, मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स, इट्स इन द शिप बिल्डिंग कंपनी, बट नॉट ओनली शिप बिल्डिंग, इट मैन्युफैक्चर्स वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्या हुआ कि शिप तो बनाती है, जिसका फायदा कहां मिलेगा? जैसे देखो, अभी ना मालदीव्स के साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हुई इंडिया की लेकर के, कुछ कहा सुनी उन्होंने, कुछ गलत सलत बोला मालदीव्स वालों ने, और इंडिया के जो ट्रेवलर्स थे, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया पूरी तरह से। वो कह रहे हैं हम मालदीव्स की जगह पे लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी वहां जाकर के उन्होंने बड़ी बड़ाई करी उसकी। तो ऐसी कंपनी जो मजागांव शिप बिल्डर्स है, डॉक शिप बिल्डर्स, उसको मौका मिलेगा शिप्स बनाने का जो लक्षद्वीप तक टूरिस्ट को लेके जा सके, पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरी, भारत का आपने देखा होगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चारों तरफ बढ़ती जा रही है, यहां से जब स्वेज कैनाल से और हमारे मतलब जो इजराइल के पास से, वहां से निकल करके जो यूएस से जो शिप्स यहां आते हैं या जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बीच में ना कुछ अटैक करने की कोशिश की गई हमारी शिप्स पे। तो यहां पर चाहिए सबमरीन्स, यानी कि पनडुब्बियां, वो कौन बनाता है? मजागांव डॉक शिपयार्ड। सातवें, वॉरशिप्स। वॉरशिप्स क्या होते हैं? वो शिप्स जो बड़े बड़े शिप होते हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स वहां पर मौजूद रहते हैं, हवाई पट्टी बनी रहती है, वो सब बनाने में भी ये कंपनी काम करेगी। तो कुछ टाइम बाद में वॉरशिप्स को जो अरेबियन सी है और साथ में आपका जो हिंद महासागर है उसमें उनको तैनात किया जाएगा। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी ऐसी कंपनीज की जो शिप बिल्डिंग में एक्सपर्टीज रखती है, और वहां पर इस कंपनी को एक मौका बन सकता है। तो मैं आपको भविष्य की तस्वीर दिखाने के साथ में यह कंपनी के बारे में बता रहा हूं। अब आप बैकग्राउंड समझ गए, आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखते हैं। 2300 रुपए की शेयर प्राइस चल रही है और एक ही दिन में 3% बढ़ी है, क्योंकि इन सबको पता है, इन्वेस्टर्स को, कि इसमें कहीं ना कहीं एक मौका छुपा हुआ है। 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, और ये मान के चलिए 28% का रिटर्न इसने इक्विटी पर दिया है, और सेल्स ग्रोथ 11% है, 19% जो है प्रॉफिट ग्रोथ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा, एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं दोस्तों, मेरे वीडियो में ना बीच बीच में मैं कुछ क्लूज देता रहता हूं, कुछ हिंट देता रहता हूं, वो पता नहीं कब कौन सा निकल जाएगा और कौन से आपको फायदा हो जाएगा, इसलिए नोट जरूर करिए हर चीज को। जैसे अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि याद रखिए,
अगर किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज आती है ना, तो उसका असर ना होने में बहुत टाइम लगता है। आज अगर मान लीजिए डिफेंस सेक्टर में मजागांव डॉक शिपयार्ड को कोई ऑर्डर मिलता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर लेते ही तुरंत कल ही शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, कभी कल ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें लगते हैं 3 साल 5 साल 10 साल। तो कंपनी की किसी भी न्यूज का असर होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको पेशेंस की जरूरत है। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि एक अच्छी न्यूज आई और कल शेयर बढ़ा और परसों गिर गया, तो आप कहोगे आपने तो कहा था अच्छा ये तो बढ़ना चाहिए। तो भाई शेयर्स का तो चाल ही सांप जैसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसलिए उसमें टेम्परेरी अपडाउन तो आते रहते हैं, पर अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न अच्छा देते हैं, इसकी पूरी पूरी संभावना होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर्स आपने देख लिए इसके, और देखिए यहां पर पैग रेशियो 1.90 है, थोड़ा सा हाई है, ये 1 के आसपास होना चाहिए, बट क्योंकि दोस्तों कंपनी का एक बिजनेस मॉडल ऐसा है कि राइजिंग है, तो इसलिए इसका फायदा इसको मिलेगा। ग्राम नंबर के हिसाब से भी 576 के हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप फेयरली वैल्यूड मानो, अंडर वैल्यूड तो साफ तौर पर नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। 8 का पायस की स्कोर एकदम मजबूत कंपनी को बनाता है फाइनेंशियली। आगे अगर हम देखें इसके टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों, एक तो क्या होता है ना कि वीडियो में इतना ही टाइम मिलता है कि मैं बहुत कम चीजें बता पाता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आप सीरियसली चीजों को समझना चाहते हैं ना तो मेंबरशिप में मिलेगी। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, कई कई तो मेरे मित्र यहाँ कमेंट्स में ऐसा भी लिख देंगे कि साहब आप तो अपनी मेंबरशिप सेल कर, अरे एक बात बताओ ये 100-200-300 रुपए के अंदर सेल करके कौन सा मेरे को करोड़पति बनने का मौका मिलेगा, मेरा तो टाइम भी नहीं है मेरे पास तो इन सब चीजों के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्वालिफाई करके अंदर आओ, सीरियस लोग जो है उन्हीं के लिए वो वीडियोस, ये जो 40 मिनट का वीडियो होता है अगर आप पे करके आओगे ना तो आप में सीरियसनेस रहेगी कि उसको पूरा देखें समझें और अपने आप को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने की राह में मेहनत करें। पर आप कैजुअली आए घूमते फिरते आए फ्री में आधा वीडियो देखा चला गया, उनके लिए नहीं है भैया, उनके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं भीड़ से अलग करना चाहता हूं। मेरे जो मित्र है यहां पर वो अलग करना चाहता हूं टोटली, वो सीरियस ही होंगे इन्वेस्टर और उनका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होना ही होना है, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए। चलिए हम यहां देखते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, तो यहां आप अगर कहोगे तो देखो ये एक तरह से मंथली चार्ट पे आप रनअप देख रहे हो, इसका कितना तेज राइज हुआ है, कितनी तेजी से राइज हुआ है, और ये लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल स्टिक्स नजर आ रही है, साफ तौर पे ये बिजनेस न्यूज जो अभी आई है उसका ही असर है जो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई डिफेंस सेक्टर में ये सबमरीन बनाने में सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। सो आगे भी दोस्तों इसका राइजिंग जो आपका ये ग्राफ है वो रहने के चांसेस है। डेली चार्ट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि उसमें टाइम खराब करने का अभी कोई सेंस नहीं है, आप सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मंथली चार्ट ही देखो आप। तो 2500 ये हो सकता है 2500 के स्तर आपको कुछ टाइम में मिल जाए, ये अगर इस लाइन को तोड़ के यानी 2295 वाले स्तर को तोड़ के अगर ये ऊपर रहती है ना तो आपको 2500 के स्तर तो आपको मीडियम टर्म में ही देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म में हो सकता है इससे भी हाई कंपनी जाने के चांसेस हो। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों अगले स्टॉक पे चलते हैं, और इससे पहले इसके कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस देख लेते हैं। देखिए इसने लगातार दोस्तों डिविडेंड दिया है, 2023 के अंदर 20 सितंबर को इसने 6.86 रुपए का डिविडेंड दिया, उसके बाद में नवंबर में 15 रुपए का डिविडेंड, 15.34 का डिविडेंड दिया इसने। इस तरह से कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, फेस वैल्यू से ज्यादा डिविडेंड दिया है इसने अक्सर ये। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो है ना वो है टोरेंट पावर लिमिटेड। टोरेंट पावर के बारे में आपने अगर कोई नई न्यूज सुनी हो तो मैं आपको वैसे बता दूं कि ये पहली बात तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दूसरा दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इसका कुछ टाइप हुआ है और ये ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए बहुत बड़ा इनका एक MOU आपस में साइन हुआ है। ग्रीन एनर्जी मतलब जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आती हो, मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना उन पर डिपेंडेंट नहीं हो। वैसे आपने देखा ही होगा ना धीरे धीरे हमारे देश में हम पेट्रोलियम पदार्थों से दूर जाते जा रहे हैं, और हम चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो चाहे आपके इसी तरह से सोलर पावर हो विंड पावर हो इनको प्रमोट करते जा रहे हैं। देखा ना आपने वारी सोलर कितना जबरदस्त ग्रो कर गया, सुजलॉन एनर्जी कितनी तेजी से ग्रो करता जा रहा है, तो पता है गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, इसलिए इन्वेस्टर्स भी वहीं इन्वेस्ट करते हैं इसी जगह, हालांकि उसमें रिस्क भी होती है कभी कभी। चलिए अभी हम सीधा हम इस पे चलते हैं टोरेंट पावर पे, और ये देखते हैं कि अभी ऐसा क्या हुआ है टोरेंट पावर के बारे में। ये दोस्तों आपके स्क्रीन पे देखिए टोरेंट पावर के बारे में अभी जो ये न्यूज है ना वो ये है कि टोरेंट पावर अनवील्स 47,350 crores ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जो आपकी गुजरात है वो, फॉर क्या क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन।
इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने शुरू किया। और ये लीजिए, मैं जिनका नाम ले रहा था उनका एड नजर आ रहा है आप यहाँ पर, ये वारी सोलर वाले हैं, ये भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। खैर, तो गुजरात में जो टोरेंट पावर है उसको इतना फायदा हुआ है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस तेजी से राइज होता हुआ आपको आने वाले दिनों में भी दिख सकता है। अब देखिए नंबर्स पे नजर डालते हैं। सो टोरेंट पावर में 1022 रुपए की इसकी प्राइस है और 10 रुपए का फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1.28% है। डिविडेंड पेआउट 59% है, मतलब आधे से ज्यादा तो ये प्रॉफिट का बांट रहे हैं शेयर होल्डर्स में। सेल्स की ग्रोथ 17% है, प्रॉफिट की ग्रोथ 18%, जो डिसेंट है, डिसेंट है। ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो नहीं है, क्योंकि अगर कोई 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा ना दोस्तों, तो 100 की स्पीड की रिस्क भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी वो टाइम पर थोड़ा सा हो सकता है 10-20 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होती है। सो ओवरऑल 17-18% की ग्रोथ इज ओके। ग्राम नंबर 501 है और ये 1022 है, तो लगभग 2x है, तो ऑलमोस्ट ओके है। मतलब आप इसको कुछ कुछ अंडर वैल्यूड शेयर्स में ही मान सकते हैं। प्लेजिंग वगैरह कुछ नहीं है, प्रमोटर के पास 50% से ऊपर है, कंपनी इज एब्सोल्युटली ओके। पायोस की स्कोर एकदम परफेक्ट, 8 out of 9, बिल्कुल क्लीन बिजनेस। करती क्या है तो आपको बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, टोरेंट पावर एक बड़ा अच्छा नाम है। चलिए इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें, तो ये टोरेंट पावर का दोस्तों ग्राफ, ये चार्ट है आपके आंखों के सामने। मंथली चार्ट पर आप देख रहे हैं कि ये तेजी से राइज आपको नजर आ रहा है। अगर मैं डेली चार्ट, हालांकि डेली चार्ट मैं अवॉइड करता हूं, बट एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर आपको एक स्लो लगातार हाई हाईज और हाई लोज बनते हुए दिख रहे हैं। वापस मंथली चार्ट पे चलते हैं और एक ही दिन में, जिस दिन ये ऑर्डर मिला उस, जिस दिन ये न्यूज आई है उस दिन देखिए खबर कितना तेज वॉल्यूम बढ़ा है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, इन्वेस्टर्स को 3 से ज्यादा की गिनती नहीं आती, खासतौर पर ट्रेडर्स को। ये जो इंट्राडे करने वाले हैं ना, आप में से भी बहुत सारे मित्र हैं, वो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं और चाहते हैं तुरंत पैसा कमा लो और तुरंत ही उनका खो भी जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपकी मेहनत की कमाई है ना, सिस्टमेटिकली 4-5 साल के हिसाब से बोरिंग तरीके से इन्वेस्ट करिए। मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है ना, वैसे सीखते जाइए बनाते जाइए, सीखते जाइए बनाते जाइए पोर्टफोलियो, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपको पता नहीं कितना गुना बढ़ जाएगा, काफी अच्छा प्रॉफिट होने के चांस होंगे। लेकिन इंट्राडे में आपकी अधिकतर जो कॉस्ट है ना, वो ब्रोकरेज में और टैक्सेस में चली जाती है। आप इस बात पर ध्यान देकर के देखिए, कभी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो पता पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कह रहे थे इसमें मंथली जो है चार्ट पे दोस्तों, साफ तौर पे ये एक अप ट्रेंड में चलता हुआ शेयर नजर आ रहा है और इसी के आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। और क्योंकि ये 1021 क्रॉस कर चुका है, ये क्रूशियल लेवल है इसका, तो यहां से अगर ये इसको तोड़ के निकलता है तो दोस्तों ये 1200 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं देखने को। यहां से हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो 800 का स्तर जो है ना, वो आपको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है इस चीज को लेकर के। आगे चलते हैं और यहां ये देखें हम लोग, तो दोस्तों टोरेंट पावर के अंदर इन्होंने देखो काफी सारा डिविडेंड दिया है दोस्तों इन्होंने। मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना, तो 9 रुपए तो इन्होंने दे दिए यहां पर फरवरी में, फरवरी जो है उसके अंदर, फिर 13 रुपए दे दिए इन्होंने फरवरी में दोबारा से, और जून में दे दिए 4 रुपए, तो 13 और 9 आपके हो गए 22 और ये 4 26 रुपए। 10 रुपए के शेयर पे 26 रुपए तो इन्होंने अभी से दे दिए हैं कुल मिलाकर के इन केस ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी काफी क्लीन बिजनेस कर रही है और साथ में इन्वेस्टर्स का ध्यान भी रखती है। सो दोस्तों ओवरऑल ये एक तरह से कहूंगा कि दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कंसिडर करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो आज प्राइस बढ़ी कल घटी, इसमें चक्कर में पड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मैंने कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, कितना सफल हुआ वो तो आप ही बता सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश और इंटेंशन दोनों क्लीन है और डेडिकेटेड है आपके लिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक तो, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत मेहनत करता हूं मैं और अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, इसलिए इसको शेयर जरूर करिए। दो काम आपके, बाकी काम मेरे। मेरा काम क्या है, आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टॉक्स रिसर्च करके लेके आना। आपके दोनों काम कौन से, वीडियो को लाइक करके और चैनल को वीडियो को शेयर करना सभी प्लेटफॉर्म्स पे, ये कभी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये मेरी तरफ से आपको एक गुरु दक्षिणा मैं आपको बोल रहा हूं। साथ में दोस्तों इस वीडियो के लिए आपने इतना टाइम दिया, मैं उम्मीद करता हूं कुछ नया जरूर सीखा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप ही का है कमेंट सेक्शन, आइए बात करते हैं ना वहां पर। चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।